हब फॉर रेडियो चैनल पे बहुत स्वागत है और आप लोगों से मिले प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, इस बार हम एक नए सब्जेक्ट के साथ में आए हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर हमारा कुछ दिख रहा होगा आपको, जिसमें कि आपको ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी का दिख रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस संबंध में आज हम लोग बात करेंगे कि करना क्या है, कैसे क्या करना और किस लिए करना है, ठीक है। और इसमें हमारा एक देख रहे होंगे आप लोगों लगा हुआ है कि ऊर्जा जीवन है, संरक्षण करें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस पे क्यों काम करना है, किस लिए करना है। तो अभी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि राज्य परियोजना निदेशक के द्वारा पत्र दिया गया है, जिसमें विषय है कि ऊर्जा संरक्षण पर स्कूल राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर चित्रकला प्रतियोगिता के संबंध में। इसमें एक आपका प्रतियोगिता करना है, आगे हम लोग विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। और विषय आप देख रहे हो कि दामोदर घाटी निगम डीबीसी का पत्रांक डीबीसी ऑब्लिक रांची पेंटिंग 765 दिनांक 18/9/2023 एवं भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के विषयक परिपत्र, यानी कि भारत सरकार से भी इसके द्वारा पत्र दिया गया है। तो चलिए इसको हम लोग आगे करते हैं। जैसा कि आप पत्र में देख रहे हैं कि उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण विषय पर अखिल भारतीय चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित करके देश में ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण के प्रति स्कूली बच्चों को संवेदनशील बनाने के लिए राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू किया है, ठीक है। इस संदर्भ में ऊर्जा संरक्षण विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता जिसका आयोजन किया जाना, इसका दो समूह बनाया गया है, समूह ए और समूह बी। तो समूह ए में कक्षा 5, 6 और 7 के बच्चे सम्मिलित होंगे और समूह बी में कक्षा 8, 9 एवं 10 के बच्चे सम्मिलित होंगे। जिस विद्यालय में जिस स्तर के बच्चे होंगे वो इसमें शामिल होंगे। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि छात्रों के लिए 3 स्तरों पर, यानी कि स्कूल स्तर, राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएगी। मतलब हमारा जो चित्रकला प्रतियोगिता है, जिसका आयोजन जो है वो 3 स्तर पर किया जाएगा, स्कूल स्तर पर, राज्य स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। झारखंड में दामोदर घाटी निगम इस प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है। पेंटिंग प्रतियोगिता का पहला स्तर 31 अक्टूबर 2023 तक विद्यालय स्तर पर 2 घंटे की एक पेंटिंग प्रतियोगिता स्कूल के प्रधानाचार्य की देखरेख में आयोजित की जानी है। इस पेंटिंग प्रतियोगिता में छात्र A4 साइज के ड्राइंग पेपर पर पेंसिल, पेंसिल रंग, क्रेयोन, वाटर कलर आदि का उपयोग कर निम्नलिखित थीम विषयों पर अपनी पेंटिंग बना सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, पहला है कि आपके विद्यालय स्तर पर एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन करना है, जो कि स्कूल के प्रधानाचार्य के देखरेख में किया जाएगा, जिसमें छात्र A4 साइज के पेपर पर पेंसिल से, पेंसिल रंग से, क्रेयोन वाटर कलर आदि का उपयोग कर निम्नलिखित विषयों पर अपनी पेंटिंग बना सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर इसलिए ये बताया कि पेपर कौन सा यूज करना है और पेंटिंग करने के लिए आप क्या ले सकते हैं। तो उसके लिए हम ले सकते हैं पेंसिल, पेंसिल रंग और क्रेयोन वाटर कलर, ठीक है। अब हम आते हैं कि समूह ए और समूह बी, जैसा कि आप देख रहे लिखा हुआ, समूह ए का सब्जेक्ट किया लाइफ, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, और समूह बी के लिए कि हम लोग पृथ्वी को बचा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का हम पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे, जिसका सब्जेक्ट हमारे पास में ये है, समूह ए यानी कि क्लास 5, 6 और 7 के लिए, समूह बी यानी कि क्लास 8, 9 एवं 10। विद्यालय में जिस स्तर के बच्चे होंगे, विद्यालय जिस स्तर का होगा उसी तरह का प्रतियोगिता आयोजन करना। स्तर यानी कक्षा की हम बात कर रहे हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, पेज को हम ऊपर करते हैं ताकि आप लोग एक साथ देखेंगे। विद्यालय स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता 2023 की पद्धति, इसका पद्धति क्या होगा, इसके लिए विद्यालय को www.bee-student.ward.in में जाना होगा और वहां पर जाके अपना आईडी और पासवर्ड बना के अपने विद्यालय को पंजीकृत करना, जिसका विधि मैं आपको आगे बता दूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि सारे प्रक्रिया को आप देख सके। सभी जिले के नोडल अपने विद्यालयों के लिए एक तिथि निर्धारित करके समूह के अनुसार 2 घंटे की एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे 31 अक्टूबर 2023 के पहले।
छात्र A4 साइज के पेपर पर पेंटिंग, क्रेयोन, वाटर कलर, पेंसिल कलर आदि का प्रयोग कर अपने समूह के विषय का पेंटिंग बनाएंगे। स्कूल के प्रधानाचार्य प्रत्येक समूह से 2 सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग का चयन करेंगे और उन्हें अधिकतम 2 MB साइज के JPG या JPEG फाइल के रूप में अपलोड करेंगे। प्रधानाचार्य प्रत्येक समूह के 2 सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग को स्कैन करके 2 MB साइज तक www.bwe.studentward.in पर जाकर अपना ID और जो आपको पासवर्ड मिला हुआ उससे लॉगिन करके प्रतिभागियों का सूची एक्सेल प्रारूप के रूप में अपलोड करेंगे। यदि विद्यालय में नेटवर्क कनेक्टिविटी, जिस विद्यालयों में समस्या है कि नेटवर्क नहीं है, प्रॉब्लम्स है या फिर आप साइट पे अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए यदि विद्यालय में नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या हो तो 2 सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग को निम्नलिखित पते पर दामोदर घाटी निगम के राज्य नोडल के निम्नांकित पते पर डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डॉक्टर संज्ञा दास प्रबंधक मानव संसाधन एवं नोडल अधिकारी झारखंड राज्य में चित्रकला प्रतियोगिता 2023 के लिए दामोदर घाटी निगम सेक्टर 3 ध्रुवा रांची झारखंड पिन कोड भी दिया हुआ। अब ये तो हो गया हमारा पहला। दूसरा हमारा क्या है कि राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता, राज्य स्तर पर भी इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। थोड़ा सा हम और ऊपर कर देते ताकि आप लोग आराम से देख सके। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता समूह ए एवं समूह बी में प्रत्येक के लिए 50 श्रेष्ठ पेंटिंग का चयन विशेषज्ञ समिति के द्वारा किया जाएगा। समूह ए एवं समूह बी में चयनित छात्रों को 14 नवंबर 2023 को आयोजित होने वाली ऑन स्पॉट चित्रकला प्रतियोगिता के लिए बुलाया जाएगा। इसके विजेताओं के लिए प्रथम पुरस्कार ₹50,000, द्वितीय पुरस्कार ₹30,000, तृतीय पुरस्कार ₹20,000 और 10 प्रशंसा पुरस्कार भी है, जहां आपको ₹7,500 प्रत्येक को, समूह ए एवं बी के प्रत्येक प्रतिभागी को ₹2,000 नगद एवं प्रतिभागिता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यानी कि अगर आपके विद्यालय के बच्चे अगर अच्छे पेंटिंग बनाते हैं तो इस प्रतियोगिता का फायदा उठा सकते हैं। अगर उनका अच्छा परफॉर्मिंग रहा तो राष्ट्रीय स्तर की चित्रकला प्रतियोगिता में भी इनको बुलाया जाएगा। तो राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता कहाँ पर होगा, तो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार विजेताओं को 11 दिसंबर 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दिल्ली आमंत्रित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार विजेताओं को 14 नवंबर 2023 को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है और आंसर भी है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस समारोह में कब होता है, तो 14 दिसंबर 2023 को। पुरस्कार की राशि क्या है, तो प्रथम पुरस्कार 1,00,000 और द्वितीय पुरस्कार आपका 50,000, तृतीय पुरस्कार 30,000 और 10 प्रशंसा पुरस्कार है जिसमें प्रत्येक को ₹15,000 मिलेंगे। तो ये हमारा था कि हम पेंटिंग क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे, किसी भी प्रतिभागी को इसका फायदा मिल सकता है और अब हम लोग चलते हैं कि इस पे हम लोग को काम कैसे करना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी हमको ऑनलाइन कोई काम होता है तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल के हो या सिस्टम के ब्राउजर में जाएंगे। ब्राउजर पर देखेंगे कि आप यहाँ पर, चूंकि हमने वेबसाइट ओपन करके रखा हुआ है तो यहाँ देखिए वेबसाइट हमारा खुला हुआ है और ऊपर में आपको दिख रहा होगा कि लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन 31st October 2023। ठीक है, और अब चूंकि हम अपने विद्यालय को रजिस्टर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर दाहिने साइड पर साइन इन और रजिस्टर है। चूंकि हमने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, रजिस्टर पर जब हम क्लिक करेंगे तो चलिए इसको ऊपर उठा लेते थोड़ा सा ताकि सुविधा हो। चूंकि हम लोग क्या है अभी नई यूजर है तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन देख रहे होंगे, एक न्यू यूजर का है, एक रिटर्निंग यूजर का है, तो हम लोग यहाँ पर न्यू यूजर ले लिए। अब जैसे सिलेक्ट यूजर टाइप, सिलेक्ट यूजर टाइप क्या होगा, चूंकि हमारा स्कूल है तो हम यहाँ पर स्कूल ले लिए। अब रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर में आप अपने विद्यालय का डाइस कोड दे सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो डाइस कोड है वो हम दे रहे हैं यहाँ पर। फिर हम यहाँ पर स्कूल का नाम देंगे, फिर यहाँ पर हमें प्रिंसिपल का नाम देना है। अब
अब आपका देखिए सिलेक्ट स्टेटस, ये क्या स्टेटस है, तो आपका स्कूल रूरल एरिया में आता है या अर्बन एरिया में आता है, जो हमारा आएगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। स्कूल का एड्रेस आपको देना है, ठीक है, ठीक है, हमने यहाँ एड्रेस दे दिया, एड्रेस टू, अगर आपको और भी कुछ है तो आप देना चाहें। इसके बाद पूछता है कि आपका किस स्टेट से है, ठीक है, तो हमारा जो स्टेट है हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया। फिर आपका किस सिटी से है, ठीक है, हमारा जो सिटी होगा वो हम यहाँ पर सिटी ले लिए। फिर आपको पूछ रहा है किस डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है, तो हमने अपना डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पर ले लिया। अब हमारा स्कूल का पिन कोड क्या है, तो जो हमारा पिन कोड होगा वो हम यहाँ पर देंगे। यहाँ पर आपसे एसटीडी पूछेगा, तो आप यहाँ पर अपना एसटीडी कोड जो होता है 4 डिजिट का वो दे दीजिएगा। आप फोन नंबर यहाँ पर, आपका टेलीफोन नंबर अगर आपके पास है तो आप दीजिएगा, अगर ना हो तो आप, चूंकि हमारा टेलीफोन डिजिट 10 डिजिट का होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पर 17 टाइम दे सकते हैं, ठीक है। और फिर हम आगे चलेंगे, ये हमें देना नहीं है। फैक्स हमारा अगर होगा तो देंगे, जो हमारे पास होगा वो हम लोग देते चले जाएंगे, जो मैंडेटरी फील्ड आप देख रहे हैं। फिर यहाँ पर देना है प्रिंसिपल का फोन नंबर, ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रिंसिपल का फोन नंबर लिखते हैं। फिर स्कूल का जो मेल आईडी है वो देना है, तो हम यहाँ पर स्कूल का मेल आईडी दे रहे हैं, फिर हम यहाँ पर एचएम का मेल आईडी देंगे, ठीक है। फिर ग्रुप ए नंबर, ग्रुप ए नंबर मतलब कि आपका ग्रुप ए में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल कितना है, यानी कि 567, ठीक है, 567 मिलाकर जो भी हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा वो हम यहाँ पर दे देंगे। फिर ग्रुप बी में, ग्रुप बी में आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है वो हम यहाँ पर दे दिए। फिर हमें यहाँ पर क्या देना है, कैप्चा देना है, ठीक है, तो कैप्चा हम यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। और देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक किए तो हमारा क्या हुआ कि ये बन गया। और अब हम क्या करेंगे, अब तो हमारे पास कोई आईडी पासवर्ड है नहीं, तो अब हमें होना पड़ेगा यहाँ पर साइन इन, ठीक है, तो हम जाएंगे यहाँ पर साइन इन में, ठीक है। और साइन इन पर जाने पर देखिए आपको यूजर नेम मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा, कैप्चा मिलेगा। चूंकि हमारे पास यूजर नेम है नहीं ना पासवर्ड है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर फॉरगेट माई पासवर्ड ऑप्शन है, फॉरगेट माई पासवर्ड में क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपसे क्या होगा कि आपसे जो है अब वो मांगेंगे कि आप हमको अपना आईडी बताइए। तो आईडी अब आपका क्या होगा, तो आईडी जो आपका होगा वो आपका बड़ा ही अच्छा, जो आप फोन नंबर दिए हैं वो फोन नंबर होगा, और उसके आगे में रहेगा आपका ठीक है। तो आपका यहां पर क्या करना है, सबसे पहले आप यहां पर लगा दीजिए SC, ठीक है, इसके बाद लगा दीजिए डैश, और आपका जो फोन नंबर है, ठीक है, आपका जो फोन नंबर है वो आप यहां पर दीजिए, और आप क्या कीजिए यहां पर फॉरगेट पासवर्ड। अब क्या होगा, देखिए यहां पर क्या लिख रहा है कि न्यू डिफॉल्ट पासवर्ड हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल, मतलब आपके ईमेल पे पासवर्ड को भेज दिया गया है, ठीक है। तो अब आप, हम लोग क्या करेंगे, अपना मेल को चेक करेंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा मेल जा चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने पासवर्ड को चेक करेंगे, पहले पासवर्ड हमारे पास आ जाए, ठीक है। और हम इसके पहले क्या करते हैं, क्योंकि हमारा चला जा चुका है, तो हम फिर यहाँ पर साइन इन पे चले जाएंगे, ठीक है। साइन इन जाने पर क्या करेंगे, हम अपना यहाँ पर यूजर नेम देंगे, यूजर नेम हमारा क्या होगा, SC-, और हमारा जो फोन नंबर से हुआ है उसको हमको देना है, ये हमने दे दिया। फिर
अब बोलेगा पासवर्ड कहाँ से आएगा, तो पासवर्ड आपके मेल में गया होगा। ठीक है, हम अपना मेल चेक करते, हो सकता है कि थोड़ा सा आपको टाइम भी लगे। थोड़ा सा हम लोग जस्ट वेट कर लेंगे जब तक हमारा मेल नहीं आता है। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है कि हमारा ओटीपी पहुंचने में या जो पासवर्ड जाता है मेल पे वो टाइम लगता है, क्योंकि हम आपको लाइव करके दिखा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जैसे ही हमारे पास पासवर्ड आ जाएगा फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना पासवर्ड देंगे। ठीक है, तो हमारा चूंकि पासवर्ड आ चुका है तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, पासवर्ड देंगे जो कि आपका कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर के कम्बिनेशन में रहेगा। हम यहाँ पर आपको उस चीज़ को दिखा नहीं रहे हैं, आपके मोबाइल पे ये पहुँच जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपना जो पासवर्ड मिला है वो हम पहले यहाँ पर देते हैं। ठीक है, हमने अपना पासवर्ड दे दिया। और इसके बाद हमारे पास क्या है, कैप्चा। कैप्चा देखिए यहाँ पर बगल में आपका जो लिखा हुआ दिख रहा है ये हम यहाँ पर देते हैं और फिर हम यहाँ पर साइन इन करते हैं। ठीक है, अब साइन इन करने पर देखिए आपको क्या ऑप्शन दिया कि आप अपने पासवर्ड को यहाँ पर चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो आप जो भी अपने इच्छा अनुसार पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर बना लीजिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अपना पासवर्ड जो अपना रखना चाहते हैं वो हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं। और उसी सेम पासवर्ड को यहाँ पर भी हम देंगे। ठीक है, और अब यहाँ पर हम रिसेट पासवर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारे पास मैसेज आया कि रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, आपका जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको चलिए क्लोज कर देते हैं। और अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आ गया साइन इन टू स्टार्ट योर सेशन। तो हम क्या करेंगे, अपना पासवर्ड देंगे, सॉरी यूजर नेम। तो यूजर नेम हम जब भी देंगे तो क्या करेंगे, SC लिखेंगे, फिर डैश देंगे, और जो फोन नंबर है HM का वो होगा। और यहाँ पर आके क्या करेंगे, जो पासवर्ड अभी हमने रिसेट करके नया पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड हम यहाँ पर लिखते हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे, कैप्चा। ठीक है, जो यहाँ पर बगल में आपका दिख रहा है नंबर दिखे, अल्फाबेट दिखे, और उसके बाद हम यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करेंगे। इनवैलिड बता दिया, हमने कुछ गलती किया होगा, फिर से देखते हैं। पासवर्ड देते हैं फिर से यहाँ पर। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, ज्ञानप्रद लगता है, तो जरूर हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और चलिए अब हमने चूंकि यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन भर दिया है तो अब हम यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करते हैं। चलिए साइन इन पे जब हमने क्लिक किया तो देखिए हमारे पास मैसेज आ गया कि सक्सेस, यू आर लॉग इन सक्सेसफुल्ली। ठीक है,
हमारा वहाँ ऊपर पे देखिए आप एससी डेस्क करके हमारा जो फोन नंबर है एचएम का वो आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ग्रुप ए ग्रुप बी दिख रहा है, और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्कूल दिख रहा है, तो स्कूल पे हम लोग जाएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट पे जाते हैं, यहाँ पर क्या करना है कि स्टूडेंट का जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड यहाँ पर बता रहा है, ग्रुप ए नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको देना है, और यहाँ पर अपलोड लिस्ट, ठीक है, बच्चा का लिस्ट को भी आपको अपलोड करना है, फोटो को भी अपलोड करना है, उसी तरह ग्रुप बी का भी करना है, और यहाँ पर फीडबैक देना है। यहाँ पर हम दो दो बच्चों का डेटा को अपलोड करेंगे, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि बच्चे का डिटेल को जो है आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे का डिटेल आप जैसा भी चाहें आप बना सकते हैं, ठीक है। और वो भी हम आपको अभी अब दिखा सकते हैं कि आप उसके लिए क्या क्या बना सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि आपके लिए स्पेशली हम क्या करते हैं, एक्सेल ओपन कर लेते हैं, आपको हम दिखाते हैं कि आप अपना बच्चा का डेटा को किस तरीके से बना सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा यहाँ पर एक्सेल ओपन हो चुका है, और हम इसका डिटेल किस तरीके से बना सकते हैं वो आपको हम दिखा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर लिख लीजिए सीरियल नंबर, ठीक है, यहाँ पर आप लिख दीजिए बच्चे का नाम। हम आपको जस्ट दिखा रहे हैं, आप इससे बेहतर भी बना सकते हैं। यहाँ पर बच्चे का क्लास दे दीजिए, ठीक है, बच्चे का आधार नंबर भी दे सकते हैं, बच्चे का कौन सा पेंटिंग बनाया है, पेंटिंग का तो खैर ये दिया हुआ है, और भी अगर आप इससे संबंधित चाहें तो सूचना दे सकते हैं। यहाँ पर ऊपर में आप स्कूल का नाम लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं नेम, ठीक है, बच्चे का स्कूल का नाम दे दिए, स्कूल का ड्रेस कोड दे दीजिए, जो भी आप यहाँ पर सूचना संबंधित बच्चे के बारे में देना चाहें वो दे सकते हैं, वो आपके हाथ में है, ठीक है। और इस तरीके से करने के बाद यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन को अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद हमको यहाँ पर सबमिट ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पर सबमिट में क्लिक करेंगे, और फिर हम लोग जाएंगे सबमिशन में। सबमिशन में जाने के बाद हमारा सर्टिफिकेट आएगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी कुछ भरा नहीं है इसलिए नहीं आएगा। और फिर यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट यहाँ पर दिखेगा। सबमिशन में जाएंगे तो यहाँ भी आपका जो डिटेल भरेंगे वो आएगा, और इस तरीके से हम अपना स्कूल के जो भी सर्वश्रेष्ठ दो ग्रुप में दो छात्र का पेंटिंग होगा उसको हम लोग यहाँ पर अपलोड करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग बच्चों का डेटा को जो भी है, जो बच्चे अच्छे पेंटिंग बनाएंगे उसको हम लोग यहाँ पर भेजेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, और इससे संबंधित अपडेट्स मैं आपको और दूंगा। तो तब तक बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।